नमस्कार। यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज का भी सेशन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 100 से प्लस क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपके प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। पिछले वीडियो को भी आपने काफ़ी सारा प्यार दिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, जिसके बारे में हम चर्चा करें, किरचॉफ का नियम जो है किस पर लागू होता है। देखिए, जिस प्रकार से ओम का नियम जो है एसी और डीसी नेटवर्क दोनों पर लागू होता है, उसी प्रकार से किरचॉफ लॉ भी एसी और डीसी दोनों पर लागू होती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा का एक जूल किसके बराबर होता है। एक जूल, जूल किसकी इकाई है। एक तो ये ऊर्जा की इकाई है, इसके अलावा कार्य की भी इकाई है। दोस्तों ध्यान रखना, कार्य की भी इकाई जूल है और ऊर्जा की इकाई भी जूल है। अब पूछा गया यहाँ पे एक जूल किसके बराबर है। दोस्तों यहाँ पर ये बात पूछी गई है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। एक जूल, देखिए एक जूल किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए शक्ति क्या होती है, पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, कार्य बटे समय। देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, ये क्वेश्चन लोको पायलट में आया होगा, ये किया गया कार्य होता है। कार्य बटे समय मत लिख देना, ये है समय हमारे पास, यानी कि इस कार्य को करने में जो समय लिया हमने, तो ये होता है किया गया कार्य, वर्क डन अपॉन समय। तो अब वर्क डन इधर लाएंगे तो पी इंटू टी हो जाएगा, तो शक्ति की इकाई है वाट इंटू समय, किस में हो गया, सेकंड में। तो इसलिए इसकी इकाई क्या होगी दोस्तों, वाट सेकंड, वन वाट सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पावर फैक्टर निम्न के द्वारा सुधार सकते हैं। पावर फैक्टर सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पावर फैक्टर सुधारने के लिए आप सिंक्रोनस मशीन का यूज़ कर सकते हो, स्टेटकॉम जो है इसका भी यूज़ कर सकते हो दोस्तों, स्टैटिक VAR कैपेसिटर का भी यूज़ कर सकते हैं, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, वोल्टमीटर का अंशांकन किसकी सहायता से किया जाता है। यहाँ पर पूछा गया है जो वोल्टमीटर है उसका कैलिब्रेशन, क्या पूछी गई है दोस्तों, कैलिब्रेशन की बात हो रही है वोल्टमीटर के, तो कैलिब्रेशन किसकी सहायता से करते हैं हम वोल्टमीटर का दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है मात्रक किसका पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है निम्नलिखित में से किसका मात्रक है दोस्तों, जल्दी से बताइए किसका हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ऊर्जा, 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 ऊर्जा किसके बराबर होती है, कार्य के, कार्य का मात्रक जूल है तो ऊर्जा का मात्रक भी जूल है, तो यहाँ पर कार्य या आप लिख सकते हो ऊर्जा, ऊर्जा की इकाई होती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, चालन बैंड होता है हमेशा क्रिस्टल के सबसे ऊपर, ऊर्जा अंतराल भी कहलाता है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन से ऊर्जित ऊर्जा की रेंज होती है या कोई भी नहीं होता, इसमें से सही आंसर बताइए क्या होता है दोस्तों, चालन बैंड होता है जहां पर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन से ऊर्जित ऊर्जा अंतराल होती है दोस्तों, ध्यान रखना। एक वैलेंस बैंड होती है, एक कंडक्शन बैंड, इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, यह है वैलेंस बैंड दोस्तों, ये होती है कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड जो है जिसे हम चालन बैंड भी कहते हैं, और ये हो गया हमारे पास संयोजी बैंड, ठीक है, वैलेंस बैंड, और इनके बीच जो गैप होती है जिसे हम कहते हैं फोरबिडन गैप, कौन सा, फोरबिडन गैप के नाम से जानते हैं दोस्तों, ऊर्जा अंतराल, ये अलग अलग होता है सभी के लिए। जैसे हम बात करें तो चालकों में जो डेल्टा ईजी बराबर होती है दोस्तों, वो होती है ओवरलैप, ओवरलैप का मतलब हो गया यहाँ पर कंडक्शन बैंड और चालक बैंड क्या होते हैं, एक दूसरे पर ओवरलैप होते हैं, तो इसलिए जो चालक होते हैं हमारे पास दोस्तों, उसके अंदर जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा गैप होता है। जो होता है हमारे पास अर्धचालक दोस्तों, अर्धचालक के लिए डेल्टा ईजी बराबर होती है हमारे पास वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो होते हैं दोस्तों कुचालक, कुचालक जो होते हैं उनके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल जो है वो 5 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है हम मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, विद्युत रोधी पदार्थ रखते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ जो होते हैं किस प्रकार का गुण रखते हैं दोस्तों। एक होते हैं हमारे पास चालक, दूसरे होते हैं हमारे पास अर्धचालक, तीसरा होता है हमारे पास कुचालक, ये तीन होते हैं दोस्तों।
देखिए चालक जो होते हैं ये आपको पता है टेम्परेचर के साथ इनका जो है प्रतिरोध बढ़ता है, तो इसलिए पीटीसी कहते हैं, पीटीसी कहते हैं दोस्तों। तो इसलिए इनका जो रेजिस्टेंस है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगी तो इनका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो इस प्रकार का कर्व दिखाई देगा आपको। इसी प्रकार से अर्धचालक जिनका तापमान बढ़ने पे प्रतिरोध घटता है एनटीसी कहलाते हैं। तो इनके रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच जो डिफरेंस होता है कर्व इस प्रकार से बनेगी, ध्यान रखनी है ठीक है। कुचालक जो होते हैं ये भी एक प्रकार से एनटीसी टाइप होते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशेंट। जिस प्रकार से क्या है हमारे पास हीरा, हीरा जो होता है दोस्तों ये हमेशा कुचालक रहता है, और माइनस के अंदर हम 273 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जा नहीं सकते। ये माइनस के अंदर जो जिसे हम परम शून्य तापमान कहते हैं, माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे नीचे हम जा नहीं सकते। तो इसलिए हीरा हमेशा कुचालक बना रहता है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद इसका सही आंसर हो जाएगा NTCR का जो है गुण रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, नाइक्रोम का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? ताप गुणांक किससे लिखते हैं? अल्फा से। अल्फा से हम लिखते हैं टेम्परेचर कॉफिशेंट को। इसकी मात्रक क्या होती है दोस्तों? इसकी यूनिट पूछी जाए तो इसका आंसर होगा प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ये याद रखना है, अल्फा गुणांक ताप गुणांक जो होता है उसका मात्रक क्या होता है? प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पर नाइक्रोम का पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखना। तो नाइक्रोम का क्या होता है दोस्तों? 0.0001, ये ध्यान रखना, ये होती है नाइक्रोम की। नेक्स्ट प्रश्न है, चांदी तांबा सोना एल्यूमिनियम में से किस धातु का प्रतिरोध गुणांक जो है निम्न होता है? इसमें से पूछा गया सबसे कम प्रतिरोध गुणांक वाली धातु कौन सी है दोस्तों? ताप गुणांक वाली, यानी कि अल्फा की वैल्यू जो है सबसे कम किसकी है दोस्तों, यहां पर पूछी गई है। तो सिंपल सी बात है, जिसका टेम्परेचर कॉफिशेंट कम होगा उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो आपको ध्यान होना चाहिए सबसे कम टेम्परेचर कॉफिशेंट किसका है? सोने का दोस्तों, ध्यान रखना। चांदी का थोड़ा अधिक होता है, लेकिन चांदी क्या है? चांदी हम मानते हैं सर्वोत्तम चालक, सर्वोत्तम चालक हमारे पास क्या होती है? चांदी होती है। चांदी का यूज करते हैं हम, सर्वाधिक चालकता चांदी की होती है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास रेजिस्टिविटी होती है दोस्तों, इसको प्रभावित करने वाले कारक, रेजिस्टिविटी जी प्रतिरोधकता को लिखते हैं रो से, रो बराबर आर ए अपॉन एल, ये लिखते हैं हम दोस्तों प्रतिरोधकता को। इसका जो मात्रक होता है वो होता है हमारे पास ओम मीटर, क्या होती है? ओम मीटर हम लिखते हैं। तो अब यहाँ पर प्रभावित करने वाले कारक पूछे गए हैं, तापमान भी प्रभावित करेगा, अलोइंग, देखिए यांत्रिक दाब भी इसको प्रभावित करेगा दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर यांत्रिक दाब भी इसको प्रभावित करेगा, उसके बाद एलोइंग, एलोइंग यानी कि मिश्र धातुएं भी प्रभावित करेंगी, तापमान से भी प्रभावित होगी, एज हार्डनिंग, एज हार्डनिंग यानी कि उसकी हार्डनेस जो है उससे भी प्रतिरोधकता प्रभावित होती है। बहुत अच्छा सवाल है, याद कर लेना, प्रतिरोधकता किससे प्रभावित होती है? यांत्रिक दाब से, एलोइंग से, तापमान से, एज हार्डनिंग से, कोल्ड वर्किंग से, कोल्ड वर्किंग जो हम उसके धातुओं पे की जाती हैं। और इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसके अंदर सारे कम से कम 4-5 टाइप के प्रश्न आ गए इसके अंदर। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, अनिलीकृत तांबा, एनिल्ड तांबे की बात हो रही है दोस्तों, एनिल्ड जो कॉपर होती है उसकी बात हो रही है, अनिल कॉपर, अनिल कॉपर का उपयोग कहाँ पर करते हैं हम? निम्न वोल्टेज केबल में, फ्लेक्सिबल केबल में, मशीन वाइंडिंग में, उपरोक्त सभी में, जल्दी से बताइए दोस्तों। इसका सही होता है हमारे पास उपरोक्त सभी, अनिल्ड जो होती हैं दोस्तों, इनेमल जिसे हम कहते हैं, अनिल्ड कॉपर जो होता है उसका मशीन वाइंडिंग, फ्लेक्सिबल केबल इनमें किया जाता है। जो हार्ड ड्रोन तांबा होता है, हार्ड ड्रोन तांबा जो होता है इसका आपको पता है क्या बनाते हैं हम? सेगमेंट बनाते हैं कॉम्यूटेटर के, सेगमेंट किसके? कॉम्यूटेटर, कॉम्यूटेटर जो होता है उसका सेगमेंट बनाते हैं। इसके अलावा बस बार बनाने में भी हम हार्ड ड्रोन तांबे का यूज करते हैं, कठोर कर्षित तांबा। कौन सा तांबा है दोस्तों? कठोर कर्षित तांबा, क्लियर? यहाँ पे
चलिए आगे। न्यूनतम आर्किंग वोल्टेज न्यून होता है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक स्पार्किंग वोल्टेज आर्किंग जो उत्पन्न होगी किसमें सबसे कम होती है? कार्बन, ग्रेफाइट, टंगस्टन, चांदी। जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा चांदी। चांदी में आर्किंग वोल्टेज सबसे कम होती है। नेक्स्ट है, छह बैंड रेजिस्टेंस में रंग में निम्न में से कौन सा बैंड ताप गुणांक प्रदर्शित करता है? छह बैंड रेजिस्टेंस होती है, ताप गुणक पूछा गया दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास रेजिस्टेंस है, इसमें छह बैंड है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव और सिक्स, ये बैंड है दोस्तों। ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट डिजिट को, ठीक है, ये करेगा हमारे पास सेकंड डिजिट को दोस्तों, ये करेगा थर्ड डिजिट को, और ये करेगा हमारे पास ताप गुणांक, ठीक है, और ये करेगा हमारे सहन सीमा, किसे? सहन सीमा को, सहन सीमा को, और ये जो करता है दोस्तों ये होती है हमारे पास TCR रेंज। छह बैंड रेजिस्टेंस में TCR रेंज यानी कि टेम्परेचर कॉफिशियंट रेंज, टेम्परेचर कॉफिशियंट रेंज, ये ध्यान रखना है, तापमान की जो रेंज होती है प्रतिरोध ताप गुणांक की, वो उसके लिए TCR होता है। तो यहाँ पर पूछा गया, तो 113 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर और फाइव, इसमें यहाँ पर पूछा गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास TCR, ताप गुणांक, ताप गुणक को प्रदर्शित करने वाला जो है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। हाँ, ये एक मिनट, ये ध्यान रखना है, जो थर्ड नंबर है ना, ये हमारे सिर्फ गुणक होती है, गुणक होती क्या होती है, मल्टीपल होता है, ये क्या होता है, मल्टीपल होता है, ये क्या है, मल्टीपल होती है, केवल मल्टीप्लायर होती है, 10^1, 10^2, 10^3 इस टाइप से। और जो TCR रेंज है, ताप गुणांक कौन प्रदर्शित करता है, छः नंबर बैंड जो होता है दोस्तों, छवां बैंड जो है वो प्रदर्शित करता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, थायरिस्टर में कितनी परतें होती हैं दोस्तों? थायरिस्टर के अंदर जो है, थायरिस्टर जो है एक प्रकार का जो है, थायरिस्टर परिवार का प्रथम सदस्य SCR है, SCR के बाद हम यूज करते हैं दोस्तों ट्रायक का, ट्रायक थायरिस्टर के बाद सेकंड यूज होने वाली जो है सबसे ज़्यादा है, और SCR को ही हम क्या कहते हैं, थायरिस्टर। तो इसमें NPN जंक्शन कितने होते हैं, चार परतें होती हैं दोस्तों, ध्यान रखना। PNPN की कितनी होती हैं, चार लेयर होती हैं, इस प्रकार से PNPN की चार लेयर होती हैं, और जंक्शन पूछे तो तीन, J1, J2, J3, तीन जंक्शन, चार अर्धचालक खंड वाली युक्ति थायरिस्टर के नाम से जानी जाती है SCR। BJT का आधार होता है, हल्का डोपिंग होता है, मध्यम डोपिंग होता है या हैवी डोपिंग होती है या उसमें डोपिंग नहीं की जाती, तो इसका आंसर बताइए जल्दी से दोस्तों, क्या होती है, हल्की डोपिंग की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, LVDT जो है दोस्तों यहाँ पर पूछी गया है, LVDT किस सिद्धांत पर कार्य करती है? LVDT होता है हमारे पास जो दोस्तों लाइट वोल्टेज जो होते हैं दोस्तों, उसके बारे में पूछा गया, LVDT, अनोन्य प्रेरण, लीनियर प्रतिरोध, और जो है हमारे पास लीनियर कैपेसिटर, नॉन लीनियर प्रेरण, इसमें से बताइए जल्दी से किस पर आधारित होता है? ये अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है LVDT, जो अपने रेजिस्टेंस टाइप में होते हैं दोस्तों, VDR, LDR, उसी टाइप में LVDT जो है ये भी यूज करते हैं हम। उसके बाद है, कॉन्स्टेंटन में शामिल होता है, कॉन्स्टेंटन धातु जो है, कॉन्स्टेंटन का दूसरा नाम क्या है, यूरेका, इसे हम क्या कहते हैं, यूरेका भी कहते हैं, और ये किसके मिलकर बना होता है दोस्तों, जल्दी से बताइए किससे मिलकर बनी होती है, तांबा और निकिल से, तांबे और निकिल से मिलकर बना होता है कॉन्स्टेंटन, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, किसी वोल्टमीटर में संवेदनशीलता व्यक्त की जाती है, कोई वोल्ट मीटर है तो उसकी संवेदनशीलता जो है दोस्तों किससे व्यक्त की जाएगी, यहाँ पर ये पूछा गया है, जल्दी से बताइए, यानी कि उसकी सेंसिटिविटी की बात हो रही है, संवेदनशीलता का मतलब हो गया वोल्ट मीटर की सेंसिटिविटी किसमें होती है दोस्तों, आपको ध्यान होना चाहिए किसमें होती है, ओम प्रति वोल्ट में हम लेते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, सरल वोल्टिक बैटरी का नेगेटिव इलेक्ट्रोड बना होता है, जो वोल्टिक सेल होता है उसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड किसका बना होता है, यहाँ पर ये पूछा गया, जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों, किसका बना होता है, जिंक का,
नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग सबसे अधिक गर्म होने वाला है? तापित का मतलब हो गया गर्म, जिसका टेम्परेचर जो है सबसे ज़्यादा बढ़ती है ट्रांसफार्मर में। बताइए ट्रांसफार्मर का सबसे ज़्यादा गर्म होने वाला भाग कौन सा है? दोस्तों सिंपल सी बात है, उसकी वाइंडिंग हाई वोल्टेज वाइंडिंग जो है ज़्यादा गर्म होगी, लो वोल्टेज वाइंडिंग जो है कम गर्म होती है। इसीलिए यहाँ पर दो टाइप की कंडीशंस जो है रखी जाती है दोस्तों, जो एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर होते हैं और एक होते हैं ऑयल कूल्ड। जो एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर है दूसरा होता है हमारे पास ऑयल कूल्ड, दोनों में फ़र्क होता है। देखिए ध्यान से, ये हमारे पास बीच का कोर होता है इस प्रकार से, ये इसमें भी हम बीच की कोर ले लेते हैं, ठीक है। एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर में क्या होता है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग क्या रखते हैं अंदर की तरफ, इसमें जो है हाई वोल्टेज वाइंडिंग किस में रखेंगे अंदर की तरफ, क्या रखेंगे हाई वोल्टेज कहाँ पे रहेगा इसमें, वो रहेगा हमारे पास किस में अंदर की तरफ, हाई वोल्टेज वाइंडिंग अंदर रहती है। अंदर रहने से क्या होता है, जो इसकी कोर होती है ना ये अपने साथ ऊष्मा ले लेती है, और उसको कोर का काम क्या है, एक सतह क्षेत्रफल बढ़ाने का काम करती है। ये इसके अंदर की ऊष्मा को बाहर निकालती है, जिससे एयर से ये ठंडा होता रहता है। और लो वोल्टेज वाइंडिंग रखते हैं बाहर। ऑयल जो होता है दोस्तों, ऑयल कूल्ड में क्या होता है, ऑयल कूल्ड में अंदर की तरफ होती है लो वोल्टेज वाइंडिंग। लो वोल्टेज वाइंडिंग कहाँ पे होती है, अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ। और लो वोल्टेज के ऊपर क्या है, हाई वोल्टेज हम लगा सकते हैं वाइंडिंग। हाई वोल्टेज वाइंडिंग अधिक हीट जनरेट करता है, जिसको ऑयल जो है आसानी से बाहर निकाल सकता है, इसलिए ध्यान रखना है। ओवरहेड टेलीफोन तार किसके बने होते हैं दोस्तों? ओवरहेड टेलीफोन वायर की बात हो रही है यहाँ पर, किसका बना होता है, जल्दी से आंसर दीजिए, किसके होते हैं, स्टील वायर होते हैं, ध्यान रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट है, वह बिंदु जिस पर लोड लाइन प्रतिषेध करती है उसे क्या कहते हैं, जहाँ पर लोड लाइन जो है प्रतिषेध करती है, यानी कि सेक्शन उसका जो बन रहा है वहाँ पर पूछा गया है, तो उसे हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। नेक्स्ट प्रश्न है, जब सोडियम वेपर लैंप चालू होता है तो इसका जो रंग है प्रारंभ में कौन सा रंग होता है दोस्तों, ये पूछा गया है यहाँ पर, तो जल्दी से बताइए स्टार्टिंग में इसका कैसा होता है, पीला रंग होता है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, ISI कोड के अनुसार रंग के तारों में से किसका प्रयोग अर्थ कनेक्शन के लिए करने का सुझाव दे रहे हैं, यानी कि IS के अनुसार अर्थ तार जो है इसका रंग कैसा होना चाहिए यहां पर पूछा गया है, तो जल्दी से आंसर दीजिए, कैसा होता है दोस्तों, हरा रंग। नेक्स्ट प्रश्न है, वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण विधि जो है एक विधि किस प्रकार की विधि है यहाँ पर, ये पूछा गया है दोस्तों, तो आपको ध्यान है वार्ड लियोनार्ड विधि जो हम DC मोटरें हैं उनको कंट्रोल करने के लिए स्पीड को यूज़ करते हैं दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये एक प्रकार से आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल विधि है। DC जनरेटर की सफाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा द्रव यूज़ किया जाता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया दोस्तों, ध्यान रखना। DC जनरेटर जो है उसकी सफाई के लिए कौन सा द्रव जो है हम यूज़ करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये पूछा गया है, तो देखिए DC जनरेटर के कम्यूटेटर की सफाई करें यहाँ हम इसका, तो इसका सही से आंसर होगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। नेक्स्ट है, शिथिल्य हानियाँ निर्भर करती हैं, शिथिल्य हानियाँ जो होती हैं दोस्तों वो किस पर निर्भर करती हैं, यहाँ पर हिस्टेरेसिस लॉस पूछे गए हैं, किस पर निर्भर करते हैं दोस्तों, जल्दी से बताइए, हिस्टेरेसिस लॉस किस पर निर्भर करते हैं, ये सभी पर निर्भर करेंगे, पदार्थ के आयतन पे भी, पदार्थ के वर्ग यानी कि उसके क्वालिटी कैसी है, उसके बाद आवृत्ति पे भी, फ्लक्स घनत्व कैसा है, इन सभी पर जो है निर्भर करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक गति विनिमय होती है, यहाँ पर ये पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर नेगेटिव स्पीड रेगुलेशन पर काम करती है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर जो है, ध्यान रखना, नेगेटिव स्पीड रेगुलेशन पे काम करती है। ट्रांसफार्मर में शोर स्तर परीक्षण, यानी कि उसमें जो शोर स्तर परीक्षण होता है उसे क्या कहते हैं हम, इसका दूसरा नाम पूछा गया दोस्तों, ध्यान रखना, उसे क्या कहेंगे, उसका सही आंसर होता है नमूना परीक्षण दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है,
किसी मैगर में नियंत्रणात्मक टॉर्क के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। मैगर जो होता है उसमें कंट्रोलिंग टॉर्क जो होती है किसके द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है, स्प्रिंग, गुरुत्वाकर्षण, कॉयल, एडी करंट द्वारा। जल्दी से बताइए किससे होती है, ये होती है कॉयल से। नेक्स्ट प्रश्न है, एसी स्टार्टर घुमाव पर निरंतरता परीक्षण यानी कि कॉन्टिन्यूटी परीक्षण के दौरान श्रृंखला में जुड़े हुए परीक्षण लैंप रहते हैं यदि घुमाव में खुला परिपथ हो। यानी कि हम एसी स्टेटर जो होता है दोस्तों मोटरों का, उसमें हम कॉन्टिन्यूटी परीक्षण कर रहे हैं, श्रेणी के अंदर लैंप जुड़े हुए हैं। यदि लैंप जो है खुला परिपथ है घुमाव में तो क्या होगा, लैंप ज़्यादा जलेंगे कम जलेंगे, इस प्रकार सा क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दोनों लैंप जो है बुझ जाएंगे, अंधकारमय हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, अनएक्साइटेड यानी कि जिसे उत्तेजित नहीं किया गया, सिंगल फेज मोटर कौन सा है, यहाँ पर ये क्वेश्चंस पूछा गया है, जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर है रिलक्टेंस मोटर, जिसे हम प्रतिकर्षण मोटर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनिवर्सल मोटर जो है दोस्तों उसको बिना लोड के चलाए जाने पर इसकी चाल किसके द्वारा सीमित होती है। देखिए नो लोड की कंडीशन है, यूनिवर्सल मोटर है और उसकी चाल को कंट्रोल हम किस प्रकार से करते हैं, सीमित हो जाती है उसकी चाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वाइंडेज और घर्षण के कारण। नेक्स्ट है, डीसी शंट मोटर को क्या कहा जाता है, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर डीसी शंट मोटर का दूसरा नाम क्या है, नियतांक फ्लक्स मोटर, नियतांक वोल्टेज, वेरिएबल वोल्टेज मोटर, नियतांक करंट वोल्टेज, करंट मोटर। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होती है, ये होती है नियतांक कॉन्स्टेंट फ्लक्स मोटर होती है। डीसी शंट मोटर क्या है, कॉन्स्टेंट फ्लक्स मोटर, और आपको पता ही है डीसी शंट मोटर का फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट रहता है। वेरिएबल फ्लक्स किसका होता है, आपके सामने डीसी सीरीज मोटर। नेक्स्ट है, मोटर में स्क्रीलिंग और टाइमिंग डिवाइस किसके लिए उपयुक्त होती है दोस्तों, ध्यान रखना, जल्दी से बताइए किसके लिए होती है, रिलक्टेंस मोटर में, रिलक्टेंस मोटर के अंदर स्क्रीलिंग और टाइमिंग डिवाइस जो है उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है, सिंक्रोनस मोटर जो है किस पावर फैक्टर पर कार्य कर सकता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। और सिंक्रोनस मोटर आपको ध्यान में होना चाहिए दोस्तों किस पर काम करती है, सभी पे, लीडिंग, लैगिंग और यूनिट पावर फैक्टर तीनों पर कार्य करती है। नेक्स्ट है, प्रेरण मोटर में कूलिंग किसके कारण होती है, जो इंडक्शन मोटरें होती है उसमें कूलिंग किस कारण होती है, कम वोल्टेज आपूर्ति, उच्च भार, मोटर में विकसित वाइब्रेशंस और मशीन में अनुचित डिजाइन, जल्दी से बताइए, मोटर में विकसित अनुकंपन। नेक्स्ट है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में किस प्रकार की वायु का यूज किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न काफी बार पूछे जाते हैं, किस प्रकार की वायु का यूज करते हैं दोस्तों, जल्दी से बताइए, किसमें आर्द्रता मुक्त यानी कि नमी मुक्त वायु होनी चाहिए। नेक्स्ट है, हिस्टेरेसिस मोटर का रोटर किसका बना होता है, ये सवाल है ना दोस्तों बार बार पूछा जाता है, एक बार नहीं हजार बार ये सवाल पूछा गया, हिस्टेरेसिस मोटर का रोटर किससे बना होता है दोस्तों, जल्दी से बताइए, ये होता है हमारे पास क्रोम स्टील। अब देखिए अगर क्रोम स्टील ऑप्शन में नहीं है तो वहाँ कहीं ना कहीं कोबाल्ट स्टील भी होगा दोस्तों, ध्यान रखना, इस प्रकार का भी प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपके लिए, शुष्क सेल का अंकित वोल्टेज कितना होता है, ड्राई सेल जो होती है उसके ऊपर जो ईएमएफ लिखा होता है वही उसकी अंकित वोल्टेज होती है, आपको ध्यान होनी चाहिए कितनी होती है, 1.5 वोल्ट। निम्नलिखित में से किस मोटर के रोटर में कोई वाइंडिंग नहीं होती, बहुत अच्छा सवाल है ये भी, ऐसा कौन सा मोटर का रोटर है जिसमें किसी प्रकार की वाइंडिंग नहीं होती दोस्तों, स्टेपर मोटर, यूनिवर्सल, हिस्टेरेसिस, रिलक्टेंस मोटर, यहाँ पर जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, हिस्टेरेसिस मोटर। नेक्स्ट है, एक अल्टरनेटर में डीसी आपूर्ति के लिए स्लिप रिंग कितने होते हैं, एक डीसी किस लिए देते हैं अल्टरनेटर में, उत्तेजना हेतु, उत्तेजना के लिए हम डीसी देते हैं अल्टरनेटर में, और ये किससे देते हैं, एक छोटा शंट या कंपाउंड जनित्र उसके जो है शाफ्ट पर लगा होता है, तो जिसे हम क्या कहते हैं, एक्साइटर,
क्या कहते हैं एक्साइटर के नाम से जानते हैं, वो लगाया जाता है, ध्यान रखना। तो इसके लिए कितनी स्लिप रिंग चाहिए आपको, ध्यान होना चाहिए कितनी होती है दोस्तों, दो। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थायी चुंबक गतिशील कॉयल उपकरण का स्केल क्या होता है। जो स्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक का मतलब हो गया PMMC, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल, ये हो गया दोस्तों स्थायी चुंबक गतिशील कॉयल, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल उपकरण जो होती है उसकी स्केल किस प्रकार की होती है, यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म, निचले सिरे पर मोड़े गए या मध्य से सघन होते हैं। दोस्तों जल्दी से बताइए क्या होता है, यूनिफॉर्म स्केल होती है। 6 पोल सिंक्रोनस अल्टरनेटर के एक परिक्रमा में से गुजरती हुई इलेक्ट्रिकल डिग्रीज की संख्या क्या होगी, जल्दी से बताइए आंसर दीजिए इसका। दोस्तों क्या हो जाएगी, 6 पोल हैं और सिंक्रोनस का पूछा गया है, तो इसके लिए एक परिक्रमा, एक पूरे चक्कर की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रिकल डिग्री कितनी हो जाएंगी दोस्तों, 1080 डिग्री, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा घटक निश्चित डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, चॉपर, रेक्टिफायर, इन्वर्टर, साइक्लो कन्वर्टर, जल्दी से बताइए। तो क्या होता है, चॉपर। नेक्स्ट है, एक SCR में PN जंक्शन कितने होते हैं, ये आपके पहले भी क्वेश्चन था। SCR में 4 परत होती हैं दोस्तों और जंक्शन कितने होते हैं, 3, यही चीज हमने पढ़ी थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताइए, 3। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर 0.2 ओम प्रतिरोध के वायर कंडक्टर की लंबाई दोगुनी कर दिए जाए तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। एक 0.2 ओम प्रतिरोध का तार है जिसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए दोस्तों कितना हो जाएगा। अब लंबाई बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध क्या होता है आपको पता ही है, लंबाई के क्या होता है, समानुपाती, तो 0.4 ओम। नेक्स्ट है, फ्यूज वायर का मूल्यांकन किसके संदर्भ में किया जाता है, यानी कि मूल्यांकन कह दो या कह दे फ्यूज तार की जो है दोस्तों रेटिंग किस में दी जाती है, तब आपका आंसर होगा एम्पियर में। नेक्स्ट है, किसी सर्किट में 33 ओम का रेजिस्टेंस 2 एम्पियर की धारा लेता है तो पूरे रेजिस्टेंस में वोल्टेज होगा। देखिए कोई सर्किट है उसमें 33 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 2 एम्पीयर की धारा ले रहा है, तो पूरे रेजिस्टेंस में जो है दोस्तों वोल्टेज कितना होगा, यहाँ पर ये प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको पता है ओम के नहीं, वी बराबर आई आर, तो आई है 2 एम्पीयर, 33 ओम का है तो वोल्टेज पूछी है तो 66 वोल्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, 0 वाट के लैंप की खपत कितनी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 0 वाट जो लैंप होता है जिसे हम पिग्मी लैंप भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं पिग्मी लैंप के नाम से, या हम सजावटी लैंपों की तरह ही होता है जो 0 वाट का लैंप होता है, तो ये लगभग 15 वाट का होता है। नेक्स्ट है, हाँ एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पर जो ये जो लगभग 15 वाट की जो बात हो रही है ना, ये जो अपने कार्बन फिलामेंट या टंगस्टन फिलामेंट लैंप आते हैं उनकी है, आजकल आ रहे LED, LED जो 0 वाट वाले बल्ब हैं वो आपको 1 वाट से भी कम में मिल जाएंगे, 0.5 वाट का, इस टाइप के भी मिल जाएंगे दोस्तों। एक आदर्श धारा स्रोत में होना चाहिए, जहां पर ये पूछा गया दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिए। एक आदर्श धारा स्रोत में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अनंत प्रतिरोध, ध्यान रखना यहाँ पर, क्लियर यहाँ पे, चलिए आगे। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारे पास, सामग्री जिसका प्रतिरोध गुणांक 0 होता है, 0 तापमान है, ऐसा कौन सी निम्नलिखित में से सामग्री है जिसका ताप गुणांक लगभग 0 के पास होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने पे उसके रेजिस्टेंस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक चीज नोट कर लेना, जितने भी हमारे हीटिंग एलिमेंट होते हैं, हीटिंग के लिए हम जो भी एलिमेंट यूज़ करते हैं, इनका ताप गुणांक चेंज नहीं होना चाहिए टेम्परेचर से। जैसे हीटर तार है दोस्तों, अगर उसके तार गर्म होता जाएगा, उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो वो और ज़्यादा करंट लेना शुरू कर देगा। तो इसलिए ये जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं ना, ये लगभग जो है न्यूनतम इनमें प्रतिरोध टेम्परेचर के साथ बढ़नी चाहिए। तो इसमें 0 तापमान गुणांक, यानी कि तापमान बढ़ने पे प्रतिरोध नहीं बढ़ता, वो है हमारे पास मैग्नीन दोस्तों। मैग्नीन एक हीटिंग एलिमेंट की तरह हम यूज कर सकते हैं,
और रेजिस्टेंस भी बनाने में यूज करते हैं। सीआरओ के लिए अर्ध ऊर्ध्वाधर, सीआरओ के लिए ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल एम्पलीफिकेशन किसके लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों, जल्दी से बताइए किसके लिए हम यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं दोस्तों? नियत लाभ बैंडविड्थ और उसके गुणनफल के लिए हम यूज करते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना। और जो सीआरओ होता है इसमें वर्टिकल बैंडविड्थ जो होती है, यहाँ पर काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों सीआरओ में, देरी रेखा जो होती है ये भी क्वेश्चंस जो है इस टाइप से भी पूछे जाते हैं सीआरओ जो है, ध्यान रखना। अब एक चीज़ और यहाँ पे नोट कर लेना, जो मैग्नीन होता है, मैग्नीन जो है इसमें हम शंट रेजिस्टेंस बनाने में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है एल्युमिनियम का ताप गुणांक जो है धनात्मक होता है, ध्यान रखना। एल्युमिनियम जो है इसका ताप गुणांक पूछा जाए आपसे तो इसका ताप गुणांक होती है धनात्मक, ठीक है, ये भी क्वेश्चन है यहाँ पर। और जो हमारे पास होती है कार्बन, कार्बन और पोर्सलिन, इनका ताप गुणांक पूछा जाए ना दोस्तों तो आपको लिखना है ऋणात्मक, ये ध्यान रखना है, ऐसा सवाल भी आपके बन सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट, सीआरओ में देरी रेखा के बाद किसे रखा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से बताइए किसे रखा गया है। और ये होती है वर्टिकल एम्पलीफायर को, देखिए सीआरओ में देरी रेखा के बाद जो है वर्टिकल एम्पलीफायर जो है रखी जाती है, जिससे क्या डिले परिपथ में जो है दोस्तों वर्टिकल एम्पलीफायर प्रयोग स्तर फायर जो होता है दोस्तों को तब तक रोक सकते हैं जब तक क्या होता है हमारे पास इनपुट सिग्नल नहीं आती। इसका मतलब हो गया सीआरओ में देरी रेखा के बाद किसे रखा गया है, वर्टिकल एम्पलीफायर। अब वर्टिकल एम्पलीफायर जो है दोस्तों ये क्या करता है, डिले परिपथ में वर्टिकल एम्पलीफायर किसी सिग्नल को तब तक रोक सकता है जब तक क्या होगा उसमें इनपुट नहीं दे सकते हम, जब तक उसे इनपुट सिग्नल नहीं आया तब तक रोक सकता है। रैखिक परिवर्तन, ये भी अच्छा सवाल है दोस्तों, ये आ गया रैखिक यानी कि लीनियर वोल्टेज डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर LVDT, इंपॉर्टेंट है याद कर लेना फुल फॉर्म लीनियर लीनियर वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। और किस रूप में मापता है रैखिक परिवर्तन अंतर ट्रांसफार्मर, मुख्य रूप से किसे मापता है दोस्तों, ये पूछा गया है। LVDT का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, किसके मेजरमेंट के लिए करते हैं, यहाँ पर ये पूछा गया है, तो जल्दी से बताइए दोस्तों किसके लिए करते हैं। इसका यूज़ करते हैं विस्थापन डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन लाइनों में सामान्य प्रचलित होती हैं, सामान्य तौर पर ट्रांसमिशन लाइनें जो हैं प्रचलित होती हैं दोस्तों, जल्दी से बताइए 132 केवी से 220 केवी, 30 केवी से 66 केवी, जल्दी से बताइए, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। कहां तक होती हैं 132 से दोस्तों 220 केवी तक। अब देखो 765 केवी जो है ये हमारे कहाँ हैं, प्रयोग स्तर तक हैं, इसमें प्रयोग चल रहा है दोस्तों, टेस्टिंग चल रही है। और इसके अलावा जो है हम 66 केवी, और इसके अलावा 110 केवी, 132 केवी, ठीक है, और इसके अलावा 220 केवी और 440 केवी, ये सारे जो है हम यूज़ कर सकते हैं, ये प्रयोग हो रहे हैं। और 765 जो है ये अभी यूज़ में है दोस्तों, इसको अभी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया, प्रयोग चल रहा है इसमें, ध्यान रखना। नेक्स्ट है उच्च वोल्टेज संचरण लाइन में सर्वोच्च संवाहक होता है, सर्वोच्च संवाहक का मतलब है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों के अंदर सर्वोच्च कंडक्टर किसे माना गया है दोस्तों, सर्वोच्च यानी कि ऊपर की तरफ कौन सा होता है दोस्तों, वो आपको पता होना चाहिए, भू संवाहक। भारत में उत्पादन वोल्टेज क्या है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, कितनी है दोस्तों यहाँ पर बताइए, 11 केवी से 33 केवी तक। उसके बाद तीन फेज एसी वोल्टेज के स्थिति में विभिन्न वोल्टेज एक कोण पर विस्थापित होते हैं, कितने कोण पर विस्थापित होंगे यहाँ पर पूछा गया है, तो ये होगा 2π/3 कोण पर विस्थापित होंगे दोस्तों, ध्यान रखना। थ्री फेज में एसी वोल्टेज की स्थिति में विभिन्न वोल्टेज की बात हो रही है तो 2π/3 पे। नेक्स्ट है ज्या तरंग का
आरएमएस मान 100 एम्पियर है, यानी कि साइन वेव है, आरएमएस मान 100 एम्पियर है, इसका उच्चतम मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। आपको मैंने कल भी बताया था पहले क्लास में, आई नॉट जो है दोस्तों हम बटे रूट टू, ये बराबर किसके था, आई आरएमएस, आरएमएस वैल्यू दी है, उच्चतम मान पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आई नॉट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आई आरएमएस इंटू रूट टू बराबर क्या हो गया, 100 इंटू रूट टू, तो ये आ जाएगा हमारे पास 141.4 एम्पियर, ये आ जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अनुनाद पर आरएलसी श्रेणी परिपथ में विद्युत धारा क्या होगी। अनुनाद यानी कि रेजोनेंस सर्किट की बात हो रही है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगी दोस्तों, धारा पूछी गई है, धारा क्या होगी यहाँ पर, धारा हो जाएगी अधिकतम, और प्रतिबाधा पूछी जाए तो प्रतिबाधा इस समय होगी न्यूनतम, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, प्रतिबाधा किसका व्युत्क्रम होती है, यहाँ पर पूछा गया है, तो आपको ध्यान होना चाहिए प्रतिबाधा का व्युत्क्रम क्या होता है दोस्तों, आपको पता ही है वाई बराबर 1/z, जिसे हम कहते हैं एडमिटेंस, और एडमिटेंस जो होती है जिसे हम कहते हैं प्रवेश्यता, क्लियर यहाँ पर, तो इसका सही आंसर ये हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, एसी पारेषण लाइन में पहले चरण संशोधक है, चरण संशोधक का मतलब है फिल्टर करने के लिए जो हम संशोधक के रूप में यूज़ कर रहे हैं, एसी जो ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं उसमें हम पावर फैक्टर सुधारने के लिए भी यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में बात हो रही है, तो किसके तुल्यकालिक मशीन। नेक्स्ट है, क्रीपिंग इन में से किसमें होती है, विसर्पण किसमें होती है, आपको पता ही होना चाहिए किसमें होती है, एनर्जी मीटर में। नेक्स्ट प्रश्न आप सबके लिए, एक अच्छे फ्यूज वायर में क्या होना चाहिए, निम्नलिखित में से दोस्तों जल्दी से बताइए, उसकी क्या है, चालकता उच्च होनी चाहिए, चालकता क्यों उच्च होती है फ्यूज वायर की, आपको पता ही हम क्या यूज करते हैं, सोल्डर, और सोल्डर जो है जिसमें लेड प्लस टिन होता है, इनकी चालकता थोड़ी अच्छी होती है। एक फ्यूज सामान्यतः एक उपकरण है, वोल्टेज सीमित, धारा सीमित, शक्ति गुणांक सुधार करने के लिए, शक्ति को सीमित करने के लिए, तो इसका सही आंसर है धारा को सीमित करने के लिए। बेहतर प्रदर्शन के लिए इनमें से सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन सी फ्यूज है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए एसआरसी फ्यूज, एचआरसी फ्यूज वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा हम यूज़ भी एचआरसी का काफ़ी जगह यूज़ करते हैं, और इसकी विदारण क्षमता याद कर लेना, विदारण क्षमता यानी कि इसकी जो रपचरिंग कैपेसिटी है दोस्तों, रपचरिंग कैपेसिटी जो है दोस्तों वो कितनी है, ये ध्यान रखना, 66 kV पर जो है ये 500 MV तक, 500 MV तक जो है कर सकता है, और मेगा वोल्ट एम्पियर यूनिट है किसकी, विदारण क्षमता की, ये भी याद कर लेना, यहाँ से पूछा जा सकता है रपचरिंग कैपेसिटी का यूनिट क्या है, तो आपका आंसर होगा मेगा वोल्ट एम्पियर। नेक्स्ट एक चीज़ और ध्यान रखनी है दोस्तों, कारतूस जो कार्ट्रिज फ्यूज होते हैं दोस्तों, उच्च विदारण क्षमता वाले फ्यूज होते हैं ये भी, और ये HRC फ्यूज बेस्ट है, काफ़ी जगह यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, निर्वात परिपथ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की प्रतिरोध क्षमता क्या होती है, जल्दी से बताइए क्या होती है दोस्तों, उच्च होती है, ध्यान रखना उच्च होती है, तो इसलिए ये क्या है, AC व DC दोनों पर कार्य कर सकता है निर्वात वाला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें कोई पुर्जा मरम्मत योग्य नहीं होता, आपको पता होना चाहिए MCB मोल्ड जो हमारे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्किट ब्रेकर का ब्रेकिंग करंट क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ब्रेकिंग करंट उसके मेकिंग करंट से कम होना चाहिए, उसके मेकिंग करंट से अधिक होना चाहिए, उसके मेकिंग करंट के बराबर होना चाहिए, जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, इसका हो जाएगा उसके मेकिंग करंट से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए सर्किट ब्रेकर का दोस्तों, याद रखना, और यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको बता दूं मैं, मेकिंग करंट से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब मेकिंग करंट होती क्या है, यहाँ पर यह भी सवाल पूछा जाता है कि मेकिंग करंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो ये होता है 2.55 × ब्रेकिंग करंट, ये ध्यान रखना, मेकिंग करंट क्या होती है 2.55 × उसके ब्रेकिंग करंट का, क्लियर यहाँ पर।
चलिए आगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, किसकी सुरक्षा हेतु मर्ज प्राइज डिवाइस यूज की जाती है। मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन हम कहाँ यूज करते हैं दोस्तों, अल्टरनेटरों में हम मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन का यूज करते हैं। इसके अलावा अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर, ये ध्यान रखना है, मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन जो है हम अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर कहाँ पर, दोनों में यूज कर सकते हैं। कहाँ पर? अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर दोनों में यूज कर सकते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। और इसे डिफरेंशियल भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखनी है। इसमें डिफरेंशियल भी, किसे, जो मर्ज प्राइज होती है इसे क्या कहा जाता है, डिफरेंशियल भी कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। इसे हम डिफरेंशियल के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। और ये एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ पर, जो सब ये चीजें ध्यान रखनी है। और मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन करता क्या, अल्टरनेटर ट्रांसफार्मर में क्या करता है दोस्तों, स्टेटर कॉइल के लिए प्रोटेक्शन प्रदान करता है। इसके अलावा भू दोष जो होता है उससे भी सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा आंतरिक जो भी दोष होते हैं उससे भी सुरक्षा प्रदान करता है दोस्तों, अल्टरनेटर में ध्यान रखना। नेक्स्ट है, 3 एम्पियर का धारावाही चालक जिसमें की प्रेरकता 1 हेनरी है, उसमें संचित ऊर्जा का मान क्या होगा दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए, जो हमारे पास संचित ऊर्जा निकालना है, फॉर्मूला 1/2 LI का स्क्वायर होता है, 1/2 × 1 हेनरी है, और जो है अपने को दिया गया ये, तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1/2 × 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4.5 वाट सेकंड। ऊर्जा तो आनी चाहिए किसमें, जूल में, तो लेकिन ये कहाँ पे आ गई, वाट सेकंड। यहाँ तो 4.5 जूल लिख लो, और यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 4.5 वाट सेकंड। और ये चीज़ हमने स्टार्टिंग में, एक प्रश्न था, 1 जूल किसके बराबर होता है, 1 वाट × 1 सेकंड के बराबर होती है। टेस्ला SI मात्रक है किसका दोस्तों, यहाँ पर बताइए किसका होता है, फ्लक्स घनत्व का। टेस्ला जो है फ्लक्स घनत्व, और फ्लक्स घनत्व को किससे लिखते हैं, B से B = φ/एरिया होता है, तो ये होगा Weber/m² किसके बराबर, 1 टेस्ला के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट है, चुंबकीय परिपथ में बी और एच के बीच संबंध क्या है। बी आपको पता ही है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, एच हो गया हमारे पास चुंबकीय बल, चुंबकीय बल जिसे हम कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। तो इसके बीच संबंध पूछा गया, तो और ये संबंध आपको ध्यान होना चाहिए, बी बराबर क्या होता है, μH, ये होती है हमारे पास सेकंड नंबर आ जाएगा दोस्तों। और H जो है हमारे पास चुंबकीय बल हो गया, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बी हो गया हमारे पास, और म्यू आपको पता ही है म्यू क्या होती है, चुंबकीयशीलता, म्यू क्या है, चुंबकीयशीलता है हमारे पास दोस्तों, ध्यान रखना। और म्यू निकालेंगे तो हो जाएगा B/H, और H निकालने का फॉर्मूला क्या, H = NI/L, यही होता है नंबर ऑफ टर्न्स, धारा और उसकी कॉइल की लंबाई जो है दोस्तों, ध्यान रखना। इसका यूनिट किस में होती है, इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर टर्न प्रति मीटर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में तापमान से मुक्त संवेदनशील, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो तापमान से संवेदनशील मुक्त होता है दोस्तों। लोहा चुंबकीय, लघु लोहा चुंबकीय, अनुचुंबकीय या प्रति चुंबकीय दोस्तों, जल्दी से बताइए, ये हो जाएगा हमारे पास प्रति चुंबकीय पदार्थ, ध्यान रखना यहाँ पर, प्रति चुंबकीय यानी कि डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक मटीरियल जो है वो इसमें आ जाएगा। यहाँ तक लिख लिया सबने। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास ससेप्टेबिलिटी, यहाँ पर एक सवाल और पूछा जाता है, जो हमारे पास ससेप्टेबिलिटी होती है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं संवेदनशीलता, संवेदनशीलता को क्या कहते हैं, ससेप्टेबिलिटी। ससेप्टेबिलिटी जो होती है इसको XM से लिखा जाता है, ये होती है I/H। आई जो है हमारे पास ये होती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म, ये क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म। और एच जो है हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हो गया, एच क्या हो गया हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ,
ये ध्यान रखना, क्लियर। यहाँ पे चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, न्यूनतम आर्किंग वोल्टेज न्यूनतम किसका होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन थोड़ा दोबारा आ गया, ये हमने देखा था चांदी का। नेक्स्ट प्रश्न है, पैरामैग्नेटिक पदार्थ में पारगम्यता होती है, पैरामैग्नेटिक पदार्थ में पारगम्यता होती है दोस्तों, जो पैरामैग्नेटिक पदार्थ होते हैं उसमें क्या होता है दोस्तों, एक से अधिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सर्किट ब्रेकर में सबसे कम ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है, किसका सबसे कम होता है, एयर सर्किट ब्रेकर का। एयर सर्किट ब्रेकर जो है दोस्तों 15 kV तक जो है और 500 MV एम्पियर जो है इसकी क्या होती है, रप्चरिंग कैपेसिटी। इसकी क्या है, रप्चरिंग कैपेसिटी जो है दोस्तों वो होती है हमारे पास 500 MV एम्पियर तक कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, धारा विभंग करंट चॉपिंग किस में होती है दोस्तों। करंट चॉपिंग जो होती है दोस्तों ये ज़्यादातर खतरा रहता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर जो होता है दोस्तों ये 6.6 kV से लेकर हम 132 kV तक जो है यूज़ कर सकते हैं, या हम कह दें तो 132 kV से 400 kV तक भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, किसका, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का। नेक्स्ट है, सर्किट ब्रेकर की ब्रेकिंग क्षमता, ब्रेकिंग क्षमता कह दो, रप्चरिंग कैपेसिटी कह दो, मेगा वोल्ट एम्पियर में होती है, ये ध्यान रखना। और ब्रेकिंग कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला इसका जो है वो भी ध्यान रखना है। ब्रेकिंग क्षमता जो है दोस्तों, ब्रेकिंग कैपेसिटी निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है √3 वोल्टेज रेटेड पावर की वोल्टेज इंटू आई जो है दोस्तों वो हो जाएगी सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल जो है धारा और उसकी जो है रेटेड वोल्टेज √3 से मल्टीपल करने पे हमारे पास ब्रेकिंग कैपेसिटी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अत्यंत लंबी उच्च वोल्टेज लाइन में प्रतिरक्षा के लिए कौन सा रिले प्रयोग किया जाता है, इसमें कौन सा रिले यूज़ करते हैं दोस्तों, महो टाइप डिस्टेंस रिले, और ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं छोटी लाइनों में, छोटी लाइनों में संचरण लाइन में जो है हम रिएक्टेंस टाइप जो है रिले जो है उसका यूज़ करते हैं, महोर रिले का हमने किया लंबी लाइनों में, ये ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर समझ में आ गया, लंबी संचरण लाइनों में दोस्तों ध्यान रखना किसका हम यूज़ कर रहे हैं, वो है हमारे पास महो टाइप रिले, और जो रिएक्टेंस टाइप रिले होता है इसका यूज़ करते हैं हम छोटी संचरण लाइनों में, छोटी संचरण लाइन में हम किसका यूज़ करते हैं, रिएक्टेंस रिले का। इम्पीडेंस यानी कि प्रतिबाधा रिले का यूज़ करते हैं हम मध्यम संचरण लाइनों में, मध्यम संचरण लाइन जो है वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बुखोल्ज रिले होती है, बुखोल्ज रिले क्या है, आपको ध्यान होनी चाहिए बहुत ही, हाँ जी, बुखोल्ज रिले जो है इसका पूछा गया है, तो बुखोल्ज रिले क्या होती है, गैस ऑपरेटेड होती है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, फीडर की सुरक्षा के लिए किस टाइप का रिले हम यूज़ करते हैं दोस्तों, जो हमारे फीडर लाइनें होती हैं उसके लिए किस प्रकार की रिले का यूज़ करते हैं, उसके लिए दोस्तों ट्रांस रिले का यूज़ करते हैं, ध्यान रखना। ट्रांस रिले जो होती है ये कहाँ पर 33 kV तक जो है यूज़ की जा सकती है, 33 kV तक यूज़ कर सकते हैं। और ये अगर पूछा जाए सिद्धांत किस पर काम करती है, देखिए ट्रांस रिले यहाँ पर दो सवाल आपके सामने आ गए, फीडर की सुरक्षा के लिए ट्रांस रिले यूज़ करेंगे और ट्रांस रिले 33 kV तक यूज़ कर सकते हैं, सिद्धांत पूछा जाए तो ये करता है वोल्टेज बैलेंसिंग, वोल्टेज बैलेंस के सिद्धांत पर जो है काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थ ब्रेकिंग परिपथ में प्रयोग होता है, अर्थ ब्रेकिंग परिपथ यानी कि जो हमारे पास अर्थ होती है उसको ब्रेकिंग करने के लिए जो हम रिले यूज़ करते हैं, कौन सा रिले है निम्नलिखित में से बताइए जल्दी से, कौन सी रिले होगी दोस्तों इसके लिए हम यूज़ करते हैं, लैचिंग रिले, कौन सी रिले, लैचिंग रिले दोस्तों, ध्यान रखना, लैचिंग रिले का यूज़ करते हैं। और ये एक प्रकार से क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच, ये क्या है, एक प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, रिले का कार्य क्या है, रिले का कार्य है दोस्तों दोष ढूंढना, दोष को क्या है, डिटेक्ट करना, ये ध्यान रखना है, डिटेक्शन,
रिले का मेन काम ही यही है दोस्तों, डिटेक्शन। रिले क्या करता है, दोष को पहले ज्ञात स्थिति के आधार पर कार्य करती है, दोष को ढूंढने का काम है, डिटेक्ट करने का काम किसका है, रिले का। नेक्स्ट है, वायरिंग की सबसे सस्ती प्रणाली कौन सी है दोस्तों, यहाँ पर पूछी गई है, तो आपके पास जो है जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, क्लिट वायरिंग। क्लिट वायरिंग आपको ध्यान में होना होगा, मेले प्रदर्शनियों में हम यूज़ करते हैं दोस्तों, मेले प्रदर्शनियाँ जो हम छोटे मोटे जो हैं अस्थाई वायरिंग के रूप में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास दोस्तों ठोस भू संपर्क, यानी कि ठोस भू संपर्क जो है दोस्तों कितनी वोल्टेज तक अनुमानित है, यहाँ पर ये पूछा गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 600 वोल्ट तक जो है अनुमानित माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं बंद रेखाएं होती हैं, चिकनी वक्र रेखाएं होती हैं, बी और डी सीधी रेखाएं होती हैं, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी और डी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, वन वॉट हावर, ठीक है, एक वाट हावर जो है कितने जूल के बराबर होता है, यहाँ पर पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 3600 जूल के बराबर, वन वाट हावर, ठीक है, वन वाट हावर कितने हो जाएंगे, 3600 जूल के बराबर। नेक्स्ट प्रश्न है, किरचॉफ के वोल्टेज सिद्धांत को यह भी कहा जाता है, किरचॉफ का वोल्टेज का सिद्धांत जो होता है दोस्तों केवीएल लो, केवीएल लो किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, और केसीएल जो है वो करती है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट प्रश्न है, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जो तार उपभोक्ता के वितरण आपूर्ति से जोड़ता है, यानी कि उपभोक्ता को हमारे डिस्ट्रीब्यूशन से जोड़ता है, उस तार को क्या कहते हैं दोस्तों, उस तार को कहा जाता है सर्विस मेन्स लाइन। केबल का सर्ज प्रतिरोध होता है, केबल जो होती है उसका सर्ज प्रतिरोध जो है दोस्तों कितना होता है दोस्तों, ध्यान रखना, ये होता है 50, यानी कि ये 40 ओम से 60 ओम के बीच होता है, कितना, 60 ओम के बीच, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, एक उपयंत्र का टॉर्क और भार अनुपात, एक उपयंत्र जो है उसका टॉर्क और भार अनुपात हमें क्या देता है, टॉर्क बटे भार, ये पूछा गया यहाँ पे, टॉर्क बटे वेट जो है दोस्तों इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं संवेदनशीलता, ध्यान रखना, संवेदनशीलता, जो हमने वोल्ट मीटर में पढ़ा था ओम प्रति वोल्ट पढ़ते हैं ना, वो उसकी संवेदनशीलता है, संवेदनशीलता को हम टॉर्क प्रति वेट में भी ले सकते हैं, यानी कि भार, ठीक है, टॉर्क अपॉन भार में भी ले सकते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, संवेदनशीलता कई प्रकार से जो है हम यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, सेंसिटिविटी जिसे हम कहते हैं उसकी बात हो रही है, टॉर्क अपॉन वेट, ठीक है, तो ये हो जाएगा सेंसिटिविटी। एक पिछले सवाल में ये देखिए, ये केबल सर्ज प्रतिरोध है, अब यहाँ पर एक सवाल और पूछा, ट्रांसमिशन लाइनों का अगर पूछा जाए, ये भी लिख लो, ट्रांसमिशन लाइनों का सर्ज प्रतिरोध, ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो है सर्ज प्रतिरोध जो है कितनी मानी जाती है दोस्तों, ये होती है 400 ओम से लेकर जो है 600 ओम तक, ये ध्यान रखना, 400 ओम से 600 ओम तक। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, एमएमएफ किसकी इकाई है दोस्तों, एम्पियर टन, इसकी इकाई क्या हो जाएगी, एम्पियर टन। निम्नलिखित में से प्रति चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, जल्दी से बताइए कौन सा होता है दोस्तों, जस्ता। नेक्स्ट है, चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है, सिलिकन का परमाणु क्रमांक 14 है दोस्तों, सिलिकन का और जर्मेनियम का 32। नेक्स्ट है, पंखे में वायु वितरण, जो पंखा है वायु को फेंकता है उसको किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है दोस्तों, यहाँ पर यह पूछा गया है, तो ये होती है मीटर क्यूब प्रति मिनट में जो है एयर फेंकने की कैपेसिटी है, छत वाले कोई भी फैन है उसकी। उसके बाद एक प्रत्यावर्तक में उत्तेजन का क्षण जान सके, एक प्रत्यावर्तक है उसमें उत्तेजन जो है, जो हम एक्साइटेशन के लिए धारा दे रहे हैं उसमें जो लीकेज हो रही है उसके लिए हम किस प्रकार का रिले का प्रयोग करेंगे दोस्तों, ध्यान रखना, प्रोटेक्शन के लिए, तो इसके लिए हम यूज करते हैं ऑफसेट महो रिले का। नेक्स्ट है, संचरण प्रणाली के किस भाग में सबसे अधिक त्रुटि होती है दोस्तों,
जल्दी से बताइए। और ये आपको ध्यान होगा सबसे ज़्यादा होती है ऊपरी लाइनों में, ओवरहेड लाइनों में। नेक्स्ट है परिपथ वियोजक का संपर्क प्रतिरोध, सर्किट ब्रेकर का जो है ये पूछा गया यहाँ पर, तो कितना होना चाहिए दोस्तों जल्दी से बताइए, कितना हो जाएगा? बी, यानी कि बी इसका आंसर हो जाएगा। और ये 40 ओम से जो है कम से कम होना चाहिए, ठीक है, 40 चार ओम कम से कम, चार ओम जो है, हाँ चार ओम कम से कम है ये, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है एक रेखीय प्रतिरोध वह है जो किसे मानता है, किस लॉ पर कार्य करता है दोस्तों रेखीय प्रतिरोध, आपको ध्यान होना चाहिए किस पर, ओम के नियम पर। नेक्स्ट प्रश्न है ड्रिल चक को ड्रिल के स्पैंडल में किसके द्वारा फिट किया जाता है, ड्रिल चक को ड्रिल के स्पैंडल मशीन के अंदर जो है किसके द्वारा फिट करते हैं दोस्तों जल्दी से बताइए, आर्बर, आर्बर क्या होता है, इस प्रकार से चक होती है, ये इस प्रकार से चक होती है तीन मुंह वाली, और इसके यहाँ पर एक होल होता है जिसमें हम इस प्रकार की जो है दोस्तों चाबी लगाकर जो है इसको टाइट करते हैं ड्रिलों में, आपने देखा होगा, और यहाँ दांते कटे होते हैं, इसके बैक साइड का भाग होता है इस टाइप से टेपर में, आर्बर कहते हैं इसे, ठीक है, ये आर्बर की तरह काम करेगा। नेक्स्ट है किसमें जो है शंट फील्ड आर्मेचर में के साथ जुड़ी होती है दोस्तों जल्दी से बताइए, किसके साथ जुड़ी होती है, सीरीज टाइप ओममीटर में। नेक्स्ट है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर का वोल्टेज न बनाने का कारण हो सकता है, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है किस कारण से वोल्टेज नहीं बना पा रहा, तो इसका कारण कारण नहीं हो सकता ये पूछा गया है, ठीक है, हो सकता नहीं, नहीं हो सकता, वोल्टेज न बनाने का कारण नहीं हो सकता निर्धारित गति से अधिक गति, बाकी सारे कारण हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए जनरेटर का कौन सा प्रकार सभी लोड पर निश्चित आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है, इसमें से कौन सा जनरेटर है दोस्तों जल्दी से बताइए, कौन सा है, लेवल कंपाउंड जनरेटर। नेक्स्ट है किस के कारण आर्मेचर में फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन बिगड़ जाता है जल्दी से बताइए, किसके कारण बिगड़ जाती है दोस्तों आर्मेचर चालक में करंट। नेक्स्ट है एक डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर को एक ओवर कंपाउंड जनरेटर में बदल किसके कनेक्शन बदल कर बदला जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर जो है उसे एक ओवर कंपाउंड जनरेटर में बदलना है तो कौन से कनेक्शन हमें बदलने चाहिए, आर्मेचर के, सीरीज फील्ड या सीरीज और शंट के, या सीरीज या आर्मेचर के जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सीरीज फील्ड। नेक्स्ट है जनरेटर का प्रकार जो जनरेटिंग स्टेशन पर सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है, कौन सा जनरेटर हम जनरेटिंग स्टेशन पर यूज करते हैं दोस्तों, रोटेटिंग फील्ड। नेक्स्ट है अल्टरनेटर के प्राइम मूवर की गति को एडजस्ट करने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि उसकी इस चीज को हम स्थिर कर दें, प्राइम मूवर की गति को आपको एडजस्ट करना है तो उसके लिए आपको किसे पहले जो है स्थिर करना पड़ेगा, यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है उसकी फ्रिक्वेंसी। एक शंट जनरेटर में नष्ट हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक शंट जनरेटर में नष्ट हुई रेजिड्यूल मैग्नेट जिसे हम कहते हैं अवशिष्ट चुंबक, वापस हम किस विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों जल्दी से बताइए, तो किसके द्वारा कर सकते हैं दोस्तों, शंट फील्ड को आर्मेचर, किससे कर सकते हैं दोस्तों जल्दी से बताइए, शंट फील्ड को आर्मेचर से कनेक्ट करके शंट जनरेटर, शंट की बात कर रहे हैं सीरीज की नहीं है, शंट की, शंट का जो है आर्मेचर के शंट फील्ड को जो है हम आर्मेचर से कनेक्ट करके। नेक्स्ट है रोजनबर्ग टेस्ट, रोजनबर्ग जनरेटर एक किस प्रकार का जनरेटर है दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा हाई स्पीड पर एक स्थिर जनरेटर है, उसकी वोल्टेज की ध्रुवता रोटेशन की दिशा पर निर्भर नहीं करती, इंटरपोल द्वारा क्या किया जाता है, कॉमुटेटर पर स्पार्किंग को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है किसके कारण लोड स्थित पर डीसी जनरेटर में वोल्टेज ड्रॉप होती है, किस कारण से, किस कारण से होती है, आपको ध्यान होना चाहिए उपरोक्त सभी, आर्मेचर रिएक्शन हो सकती है, ब्रश संपर्क, ब्रश प्रतिरोध, ये ध्यान रखना है, क्लियर।
एक्सप्रेशन है जिसमें क्या होता है, डीसी जनरेटर के लिए कंपाउंड वाइंडिंग आवश्यक है। निम्नलिखित में से किस कारण से डीसी जनरेटर में कंपनसेटेड वाइंडिंग आवश्यक रूप से यूज की जाती है, किस लिए की जाती है? उतार चढ़ाव लोड के लिए, यानी कि लोड वेरिएशन के कारण जो है हम इसलिए इसमें यूज करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, डीसी सीरीज मोटर की गति कम होती है जब यदि फील्ड वाइंडिंग में फ्लक्स क्या हो जाए। डीसी सीरीज मोटर में गति कम कब होगी, जब सीरीज फ्लक्स जो है फील्ड वाइंडिंग का क्या हो जाएगा दोस्तों, वृद्धि होगी। नेक्स्ट है संचयी यौगिक, यानी कि कंपाउंड डीसी मोटर जो है अपनी निर्धारित गति पर चलती है, किस समय चलती है दोस्तों, पूर्ण भार पर। नेक्स्ट है यौगिक मोटर में दो होते हैं, जो कंपाउंड मोटर होती है उसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है, तो इसमें होती है दो फील्ड वाइंडिंग होती है। नेक्स्ट है विद्युत सप्लाई संस्था लोड पावर फैक्टर को सुधारने के लिए क्या करती है, जल्दी से बताइए। तो लाइन करंट को कम करने का प्रयास करती है हमेशा दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न वोल्टेज की वेव फॉर्म कैसी होती है, ये सभी को ध्यान है, साइन वेव। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए अल्टरनेटर में एक्साइटेड करंट का दूसरा नाम, वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ये तो आपको कहीं भी नहीं मिला होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि अल्टरनेटर के अंदर जो एक्साइटेशन करंट होती है उसे किस नाम से जानते हैं, इंड्यूस्ड वोल्टेज के नाम से जानते हैं दोस्तों, प्रेरित वोल्टेज, इंड्यूस्ड वोल्टेज यानी कि प्रेरित। नेक्स्ट है यदि फैन हमिंग की आवाज के साथ चलता है, पंखा हमिंग की आवाज़ के साथ चलता है, तो इसका कारण क्या हो सकता है दोस्तों, वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग क्या है, ओपन होगी। बहुमापी मल्टीमीटर को निम्नलिखित में से किसे नहीं मापता दोस्तों, मल्टीमीटर किसे नहीं मापता दोस्तों, धारिता। नेक्स्ट है बहुमापी यानी कि मल्टीमीटर में परीक्षण लीड की ध्रुवता किसके लिए महत्वपूर्ण नहीं होती दोस्तों, केवल एसी वोल्टेज। नेक्स्ट है डीसी जनरेटर में ब्रश की व्यवस्था की जाती है, डीसी जनरेटर में ब्रश किस स्थान पर हम लगाते हैं दोस्तों, ये पूछा गया है, तो आपको ध्यान होना चाहिए हमेशा ब्रश MNA पर रहते हैं दोस्तों, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पर। नेक्स्ट आता है हमारे पास ओम, यानी कि आर्मेचर प्रतिरोध का मान लगभग कितने ओम होता है, यहाँ पर ये पूछा गया है, तो आपको पता ही है आर्मेचर जो है डीसी मोटर की बात हो रही है, डीसी मोटर या जनरेटर के आर्मेचर का प्रतिरोध लगभग 1 ओम तक होता है। ये थे दोस्तों आज के लगभग 125 क्वेश्चन, इससे पहले भी पार्ट फर्स्ट में 100 क्वेश्चन किए हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी हमारे साथ जोड़िए। धन्यवाद।